हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो चलिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, दाल चावल के साथ कुछ चटाकेदार खाने का मन करता है, तो उसके लिए नींबू का अचार बनाते हैं। तो मैंने लिए है यहाँ पे आधा किलो नींबू, और इन्हें हमने अच्छे से धो के अच्छे से पोंछ लिया है, पानी की बूंदें इस पर ना रहें। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी नींबू आप लें ना, थोड़े पीले पीले लें और बिना दाग धब्बे के। और जब हम हाथ से प्रेस करते हैं तो वो थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट से होने चाहिए, जिनका छिलका पतला हो। आप उस टाइप के नींबू लें, ऐसे जिसमें दाग लगा हो ना, उस टाइप के नींबू ना लें। तो ये देखिए, नींबू जो है प्लेन है, बिल्कुल साफ़ है, हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। और अब क्या करते हैं, हम इसे काट लेंगे। आप चाहें तो इसे चार टुकड़ों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा छोटा बना रही हूँ, तो मैंने इसके 8 पीसेस किए, यानी इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि हाफ़ करिए और फिर उसको भी और छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए। और अब बीज वगैरह जो है, अगर आप चाहें तो इसको अलग कर दीजिए, वरना इसके अंदर भी अगर रहेगा तो कोई इशू नहीं। तो सारे नींबू हमने काट लिए, अब हम इसे एक बर्तन में डाल लेंगे, सूखा होना चाहिए बर्तन भी। और देखिए, अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला यहाँ पे सफ़ेद नमक, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काला नमक भी। तो काला नमक ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसके अंदर। यहाँ पे डाली हमने कुटी हुई लाल मिर्च, और लाल मिर्च का पाउडर भी हमने डाला है। तो जितना स्पाइसी आप खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। यहाँ पर डाली अजवाइन 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने डाला जीरा, और यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर भी है वो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ना, सूखे हाथों से अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो एक स्पून से भी कर सकते हैं, बस गीला ना रहे। तो देखिए, सारे मसाले इसके अंदर कोट हो चुके हैं अच्छे से, सारा रेडी हो गया है। और अब हम इसे डाल देंगे एक कांच के बर्तन में, या जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, आप उसके अंदर डाल दीजिए इसको। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे धूप लगानी है 15 दिन तक। और 15 दिन आप इसको रेगुलर धूप लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करिए, तो बिना तेल का आपका अचार रेडी है। और उसके बाद क्या होगा, अपने ही जो रस में जो नींबू का छिलका है ना, वो गल जाएगा। और उसके बाद आप इसे निकालिए, और चावल, दाल, पराठा, रोटी किसी के साथ भी आप इसे खाइए। तो होप आपको यह अचार पसंद आया होगा, बनाइए ज़रूर। थैंक यू फॉर